हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता गोयल। जायका कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपने हलवे तो बहुत खाए होंगे, सूजी का खाया होगा, दाल का, आटे का, लेकिन आज हम बना रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको फलहारी व्यंजन के रूप में भी खा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज फलहारी सागारी जो है, हम सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं सिंघाड़े के आटे का हलवा। उसके लिए यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में लिया है देसी घी। और मैं चार बड़े जो चम्मच है वो मैं सिंघाड़े का जो आटा है मार्केट में अच्छे से इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है उसका मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब आप सागार कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं उसके लिए भी ये दी बेस्ट है। तो यहाँ मेरे को अच्छे से इसको सेक लेना है। लगभग 5 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल जो है सिम आँच में जो है इसको मैं सेकूँगी। मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट अच्छे से सेक लिया है। इसका सेकने का जो पता चलता है वो इस तरीके से चलता है कि आटे का जो है कलर चेंज हो जाता है और इसमें से एक बहुत सौंधी सौंधी जो है खुशबू आपको आने लगती है। अधिकांश जो है हम किसी भी हलवे को बनाते हैं तो उसमें जो हम ऐड करते हैं वो करते हैं पानी, लेकिन यहाँ आज जो हमको इसमें ऐड करना है तो आज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो अब मुझे ऐड कर देना है यहाँ दूध। दूध डालने के बाद आप इस हलवे को जो है कंटिन्यू चलाते रहें, अदरवाइज़ आपके हलवे में गिठान पड़ जाएगी और जो फ्लेम को है आप बिल्कुल तेज रखें। ये दूध बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है, ये देखिए हमारा जो हलवा है वो कितना गाढ़ा हो गया है और जो किनारे हैं वो बिल्कुल छूट गए हैं, घी दिखने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैं चीनी लगभग आधा कटोरी इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी कुटा हुआ जो है इलायची। इलायची से जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और जो उसकी सुगंध है वो इतनी अच्छी होती है कि आपका खाने का जो है मन करने लगेगा। ये जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। जो हमने शुगर डाली थी वो इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई है। जो इसका हलवे की जो विशेषता है दूध डालने से, जो इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए इसने घी भी कितने अच्छे से छोड़ दिया है क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। जो सिंघाड़े के आटे का जो हलवा होता है वो काला हो जाता है, इसलिए बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ बादाम यूज़ करे हैं। आप इसमें किशमिश है, काजू है, जो भी डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अगर आप जो है व्रत कर रहे हैं तो भी आप इस हलवे को बनाकर खाइए, ये बहुत ही बढ़िया लगता है और ये मेरा तो फेवरेट है। मैं इसको ऑर्डिनरी डे में भी बनाती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। ये बहुत ही पौष्टिक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।